कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह, और दोस्तों टेक्निकल सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। Redmi 10 जो कि बाहर लॉन्च हुआ है, इंडिया में Redmi 10 प्राइम बन के आएगा, ये चीज तो मैं पहले ही ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एंड कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जल्दी इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। इसका ऑफिशियल लॉन्च डेट आ गया है। अगर आप Xiaomi के इंडिया वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे देखो, वहां पे उन लोगों ने लैंडिंग पेज डाला हुआ है जिसपे लिखा है 10 डेज एंड 20 आवर्स के आसपास। जब मैंने अभी तक देखा है तब तक 20 आवर्स के आसपास था, यानी करीब करीब 11 दिन बाद 3 तारीख को 12 बजे दोपहर को लॉन्च होगा ये इंडिया में Redmi 10 Prime। और ये स्मार्टफोन कोई और नहीं होने वाला है, वही रीब्रांड होकर Redmi 10 जो है बाहर लॉन्च हुआ है वो इंडिया में Redmi 10 Prime बन के आएगा, एंड पॉसिबली ये Amazon पे भी जाएगा। अभी तक तो नहीं है लेकिन पॉसिबली Amazon पे भी जाएगा, एक आध दिन में तो आपको वहां पे भी दिख जाएगा, या फिर जब आप देख रहे हो शायद तब तक आ गया हो। चलिए कोई बात नहीं, लॉन्च होने वाला है 3 तारीख को, 3rd of September दोपहर के 12 बजे। स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो इसी वीडियो में बताता हूं आपको। 6.5 इंच का इसमें IPS LCD का 90 हर्ट्ज का फुल HD प्लस का पैनल आने वाला है, वो भी पंच होल के साथ, गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ आएगा, यानी देखने में अच्छा लगेगा। रियर साइड पे पॉलीकार्बोनेट होगा, क्वाड कैमरा का सेटअप होगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, नीचे Redmi की ब्रांडिंग रहेगी। देखने में ये Redmi Note 10 Pro 5G जो चाइना में लॉन्च हुआ है, जो बाहर Poco X3 GT के नाम से गया ना, उसकी तरह दिखता है, यानी अच्छा लगता है देखने में, लुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजाइन और डिस्प्ले में काफी अच्छा स्मार्टफोन है। चलिए ये तो हो गया डिस्प्ले डिजाइन के बाद, इसके बाद चिपसेट की बात करोगे तो उसमें MediaTek का Helio G88 का चिपसेट आता है, जो नया चिपसेट है, रिसेंट में भी मेरे ख्याल से 20 दिन हुआ है इसको लॉन्च हो गया, उससे ज्यादा पुराना नहीं है। ऑक्टाकोर का चिपसेट है, 12 एमएम पे भेज रहा है तो बैटरी एफिशिएंसी ठीक ठाक मिल जाती है आपको, अच्छी चीज है। इसके साथ साथ ये माली G52 के साथ आता है, तो 11,000 की प्राइस पे कहा जा रहा है, एंड उस प्राइस के हिसाब से कहोगे तो गेमिंग अच्छी खासी कर पाओगे, इसमें कोई इश्यूज आपको नहीं आएंगे। स्कोर की बात करोगे तो 2,20,000 के आसपास चला जाता है इसका अंतुतु का स्कोर, 2,20,000-30,000, डिपेंड करता है कितना रैम यूज हुआ है उसमें। चलिए अच्छी चीज है। इसके बाद एंड्रॉइड 11 के ऊपर आएगा, जो कि कहा जा रहा है MIUI 12.5 के साथ आएगा, जो कि अच्छी चीज है। एड नहीं मिलेंगे आपको इसमें, ऐसा उनका कहना है, लेट्स सी देखते हैं इंडिया में देते हैं कि नहीं, काफी ज्यादा बिकता है तो मुझे नहीं लगता कि एड के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, बट लेट्स सी देख लेते हैं। थोड़े से ब्लू ड्रेस रहेंगे लेकिन आप डिलीट कर पाओगे। इसके बाद बात करते हैं कैमरा की। रियर साइड पे जाओगे तो 50 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, 50+8+2+2 का सैमसंग का सेंसर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, F1.8 का अपर्चर है, एंड बाकी सारे काम कर पाओगे, बुके पैनोरमा HDR सारी चीजें कर लोगे। रियर साइड पे फ्लैश होगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, 2-2 मेगापिक्सल के दो सेंसर होंगे, मैक्रो और डेप्थ। इसके बाद फ्रंट में आओगे तो वहां पे 8 मेगापिक्सल का आपको सेंसर मिलेगा, अपर्चर F2.2 के आसपास का होगा, एंड वहां पे भी आप 1080 रिजोल्यूशन वीडियो निकाल पाओगे, बुके पैनोरमा HDR सब कर लोगे। रियर में फ्लैश रहेगा, फ्रंट में नहीं रहेगा। कैमराज डिसेंट है, डिपेंड करता है कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, वैसे Redmi के कैमराज अच्छी ऑप्टिमाइजेशन के साथ आते हैं, वहां पे कोई इशू नहीं आता। इसके बाद बात करते हैं बैटरी की। बड़ी बैटरी है, 5000 mAh की, डिसेंट, आराम से एक दिन निकाल लेगी। इसके साथ 18 वाट का चार्जर आएगा। अब Redmi को इस प्राइस रेंज में 30 वाट तक के चार्जर्स देने चाहिए, अब 11,000 तक तो आना ही चाहिए। आप क्या कहते हो जरूर बता देना, बट मेरे हिसाब से देना चाहिए था, 18 वाट अब काफी पुराना हो गया है, तो मेरे हिसाब से बड़ी बैटरी के साथ बड़ा चार्जर भी होना चाहिए, लेकिन आपको 18 वाट वाला ही मिलेगा, इसमें फास्ट चार्जर नहीं मिलेगा। 22.5 वाट का चार्जर मिलेगा, बट सपोर्ट आपको 18 वाट का ही रहेगा। इसमें टाइप सी का पोर्ट भी रहेगा, तो एक डिसेंट बैटरी, एक डिसेंट चार्जर और एक टाइप सी का पोर्ट भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसके बाद सेंसर्स की बात करें, सेंसर्स आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक है, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास सब मिल जाएगा, इशू नहीं आएगा। 3.5 mm जैक रहेगा, IR ब्लास्टर रहेगा, IP52 की रेटिंग भी कही जा रही आएगी, लेट्स सी देखते हैं आता है कि नहीं। इसके बाद मतलब जितने भी बेसिक सेंसर्स हैं वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, सेंसर्स में कोई इशू नहीं आएगा। कार्ड स्लॉट डेडिकेटेड होगा, यानी दो सिम कार्ड के साथ एसडी कार्ड लगा पाओगे, उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा। एंड वेरिएंट 4GB 64GB 4GB 128GB and 6GB 128GB तीन आए हुए हैं, ग्लोबल और मलेशिया का अगर मिला लिया जाए तो। प्राइसिंग जो है मलेशिया में 11,000 पे चालू हुई है, पॉसिबली यहाँ पे भी कहा जा रहा है 11,000 या उससे कम प्राइस पे ही आएगा। अब लेट्स सी देखते हैं किस प्राइस पे लेके आते हैं, जैसे और भी इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे आपको बता दूंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं अभी चेक कर सकते हो, और साइड में देखो वेक्टर में जिसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आ जाना यार, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ नया कहने साथ, तब तक के लिए दोस्तों।